शुभस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधना काल में ध्यान के समय जब भी हम भगवान की स्तुति प्रार्थना उपासना के लिए बैठते हैं, एक क्षण में हमारा चित्त एकाग्र हो जाए, अंतर्मुखी होकर के, स्थित प्रज्ञ होकर के ओंकार ब्रह्म परमात्मा के साथ एकाकार होकर के भगवान में पूरे तन्मय तद्रूप होकर के ब्रह्म के साथ एकात्मता तन्मयता तद्रूपता और भीतर गहरी अभीप्सा, एक तड़प एक लगन, प्रभु दर्शन दो मेरे परमात्मा, हे प्रभु अब तो अपना एहसास कराओ, सदा मेरे पास मेरे रोम रोम रमे इस पिंड में ब्रह्मांड में तेरी ही सत्ता, तेरी ही व्यवस्था, तेरा ही विधान, उसको मैं अनुभव करूं प्रभु हर पार। ऐसे ओंकार और गायत्री से ध्यान इसीलिए प्रारंभ करते हैं कि हम ओंकार बोलते ही ओम इति इदम सर्वम, ओम इति ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम इति काक्षरम ब्रह्म, ओम प्रतिष्ठ। ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म ईशवास्यमिदं सर्वम् वासुदेव सर्वम् हरि व्यापक सर्वत्र समान। ओंकार के साथ ऐसे एकाकार हो जाएं कि बस एक ब्रह्म के सिवा, एक परमात्मा के सिवा। और हमारा मन इधर उधर कहीं न जाए, शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थ मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। जिनके चित्त चंचल हैं, तन में रोग व्याधियां, मन में विकार भरे हुए, बहुत अंधकार है अभी जीवन में, पूर्ण शुद्धता नहीं अभी, तो ओंकार का मन ही मन जप करते रहे, प्राणायाम का तप करते रहे। और ऐसे लंबे जप और तप से जब हमारा तन मन चित्त चेतना आत्मा पूरी शुद्ध हो जाती है, तब फिर
हमारे लिए योग सहज हो जाता है, सहज योग, सहज समाधि। तब जीवन मुक्ति की अवस्था आ जाती है। तो मन ही मन ओंकार का जप चलता रहे, प्राणायाम का तप चलता रहे, भजन के साथ, कीर्तन के साथ, भगवत दर्शन की गहरी अभीप्सा, ईश्वर प्रधाना का तीव्र संवेगा नाम आसन तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। ऐसे प्रार्थना पूर्ण हृदय से ध्यान कर रहे हैं, नाम का, मंत्र का, भजन का, कीर्तन का आश्रय लेकर के हम इतने अंतर्मुखी हो जाए, श्रद्धा की पराकाष्ठा, समर्पण का अतिरेक, भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, कृतज्ञता, भगवान के साथ एक रूपता जब घटित होती है, तब हम एक अतीन्द्रिय सत्ता के संपर्क में सहज रूप से आ जाते हैं और ये समस्त दैहिक आकर्षण स्वतः छूट जाते हैं, हट जाते हैं। बहुत एक आकर्षण, एक भगवान में एक रूप था, तन्मय था। Thank you.
तुम भूल गए
पराकाष्ठा होती है तब इस पिंड में ब्रह्मांड में इस पूरे मूर्त अस्तित्व में अमूर्त में व्यक्त में अव्यक्त में इस ब्रह्म की घनीभूत अभिव्यक्ति उसके आश्रय में आलंबन में उसके आलिंगन में अपने आप को अभिभूत करते हुए उसके साथ एकीभूत होते हुए कपालभाति अनुलोम विलोम ऐसे लय के साथ करें और श्रद्धा की पराकाष्ठा भक्ति का प्रेम का कृतज्ञता का अतिरेक प्रभु आपके ही दर्शन हर पल कर ऐसी ही मेरी मति ऐसी ही मेरी भक्ति कृति प्रकृति ऐसी ही मेरी दृष्टि बना दो प्रभु देखो हर रूप में
पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति यत्क
करोषि यदस्नासि यज्ञोऽसि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्। न जाने कितने जन्म और जीवन बीत गए कामनाओं के वशीभूत होकर के, वासनाओं तृष्णाओं के पीछे एक अंधापन, एक पागल। अब तो केवल एक भगवान का आश्रय और भगवान की शरणागति में, आलंबन में, आलिंगन में रहकर के, भगवान की परम प्रीति में रहकर भगवान को ही अपना सर्वस्व स्वीकार करके सर्वाधार सर्वेश्वर हृदयेश्वर प्राणेश्वर सच्चिदानंद सर्व ब्रह्म के साथ उसकी सन्निधि में, उसके सानिध्य में, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना भक्ति आराधना साधना में प्रतिपल एकात्म होकर के भगवान के दिव्य ज्ञान से, भगवान के दिव्य प्रेरणाओं से, भगवान के दिव्य शक्ति सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य से युक्त होकर भगवान के नाते ही जीना, भगवान के नाते ही सब नाते, भगवान के नाते ही सब संबंध है और भगवान के नाते ही मेरे सब कर्म है, मेरा सब पुरुषार्थ है, परमार्थ है, सेवा है, साधना है, मेरा सारा योगाभ्यास, मेरा सारा विद्याभ्यास, मेरे जीवन के सारे व्रत नियम साधन, मेरी सारी साधना, मेरे साध्य एक परमेश्वर। ऐसी भाव चेतना में, ऐसी दिव्य चेतना में, ऐसी आत्म चेतना में हमें प्रतिपल जीना, यही तो है अखंड योग हमारा, यही तो है अखंड साधना हमारी, यही तो है 24 घंटे का हमारा योग ध्यान उपासना अखंड भक्ति। ये भाव चेतना हमारी खंडित ना हो, इसके लिए भोर में उठ करके ध्यान करते हैं। ऐसे आधा आधा एक एक घंटे ध्यान की साधना जिनके पास वक्त है, विद्यार्थी काल में 5-10 मिनट का ओंकार गायत्री का ध्यान, जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है, अब 50-60 वर्ष की आयु हो गई तो फिर तो 24 घंटे भगवान के आश्रय में हम रहे और भगवान के नाते ही सब कुछ करें और इस सारे मूर्त अमूर्त में, प्रत्यक्ष परोक्ष में, व्यक्त अव्यक्त में, सगुण साकार में, पिंड ब्रह्मांड में, इस सारे रचना के पीछे उस रचयिता को, सारी सृष्टि के पीछे सृष्टिकर्ता को, ब्रह्मांड के पीछे ब्रह्म को ये अनुभव करें और ये अनुभूति, ऐसी भक्ति, ऐसी निष्ठा प्रभु हमें प्रदान करें, ये भीतर से गहरी प्रार्थना। दर्शन दो मेरे नाथ, मेरी अखियां हैं प्यासी, दर्शन दो मेरे
व्यथित कर जाती है। वर्षा की ज्ञान का भी अतिरेक होता है, और जब श्रद्धा और ज्ञान का अतिरेक होता है, परम भगवान के विधान में भगवान की प्रेरणा हो, भगवान के शासन में अनुशासन में जीते हैं, तब कर्म का, सेवा का, साधन का, साधना का सब प्रकार की दिव्यता का, सात्विकता का अतिरेक ही अतिरेक अतिरेक ही। जहां तक मेरी दृष्टि जाए प्रभु, हर रूप में तुझे ही निहार। विश्वाह कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पृश इन्द्रस्य योजसा तद् विश्वाह परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्य दिवि चक्षुराय। कानों में ही तेरे नाम का निनाद गूंजे, तेरा ही श्रवण, तेरी ही श्रुति, तेरी ही दृष्टि, होठों पर तेरा ही नाम, दिल में तेरी ही याद, तेरी ही प्रीति, हाथों से तेरी ही सेवा, तेरी ही प्रसन्नता, तेरी ही प्रीति, Thank you.
एक एक पल प्रभु तेरे लिए जी, तेरे लिए ही हो मेरा जीवन, एक एक क्षण तेरे सिवा और यहाँ है ही क्या। तू ही युगो युगों से सदा सदा से मेरा है और मेरा ही रहे। ऐसे दिव्य भाव चेतना केवल ध्यान के समय ही नहीं, हर पल हर क्षण इस भाव चेतना में, इस दिव्य चेतना में, इस आत्म चेतना में, इस ब्रह्म चेतना में, भगवान के आश्रय में, भगवान के शरणागति में, भगवान के आलम्बन में, आलिंगन में जीते। कभी न भूलूं प्रभु ये प्रार्थना है, तुम्हें कभी न भूलूं प्रभु ये प्रार्थना है, समर्पित
सुखदासी महाराज इस युग के एक महान तपस्वी परम विरक्त भगवत शरणागति में जीने वाले का किंचन तितिक्ष मुमुक्ष सन्यासी थे। वो बार बार यही बात कहा करते थे, भगवान के आश्रित, भगवान के जो उपासक, उनके हृदय से बार बार बस यही पुकार उठे, हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूल तेरे अंग संग चले। और यही तो वेद का उद्घोष है, अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्य देवस्य पश्य काकर न ममार न जीर्य तदेजते तन्नेजते तत्तोरे तत्वंति तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्यास्य बाह्य। हर पल भगवान के साथ ऐसी एकात्मता, एक रूपता, भगवान की शरणागति में, भगवान के विधान में, भगवान के आश्रय में, आलंबन में, आलिंगन में, यही ओंकार और गायत्री की उपासना का भी तात्पर्य है। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्य अर्थ याचन क्रिया इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग निर्देश। अवरक्षण प्रभु आप ही सर्वरक्षण, प्राण प्रदाता, जीवन दाता, विश्व विधाता, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, अवरक्षण गति आपसे ही सब गति, कांति आपकी ही कांति है सब, आपसे ही प्रतिपल प्रीति करो लोग, और आपकी प्रीति में ही परम तृप्ति है, मेरे प्रेम का, मेरे समर्पण का, मेरे आश्रय का, मेरे आलंबन का, मेरे आलिंगन का, मेरी संवेदनाओं के सबसे बड़े केंद्र प्रभु, सबसे बड़े लक्ष्य थे आधार प्रभु आप। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम आप हमारे मन सा वाचा कर्मणा जो कुछ हो रहा उसको समझते, और मन सा वाचा कर्मणा हम आप ही को आप ही के विधान को, आप ही की प्रेरणा के अनुरूप जो कुछ हमारे जीवन में निष्पन्न हो प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए। अवरक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण आप सब और प्रविष्ट हो और सब की सुनते हो, कहने के भी आवश्यक सब कुछ तो जानते, हम क्या बताएं तुझसे, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर, किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला। प्रवेश श्रवण स्वामी आप ही मेरे स्वामी, सब कुछ
आप ही मेरे अर्थ समर्थ, आप ही मेरे परम अर्थ परमार्थ। एक ही याचना करता हूं, मेरी सारी क्रियाएं, मेरी सारी इच्छाएं, मेरी सारी चेष्टाएं, मेरा सारा प्रयत्न, मेरा सारा पुरुषार्थ, मेरा सारा जीवन प्रभु तेरी प्रसन्नता के लिए सही मार्ग पर निरंतर आगे बढ़े, तेरे अनंत के पथ पर। ऐसे एक बार ओम बोला और ये सारा अर्थ भीतर भीतर चल रहा है, भीतर गुंजायमान हो रहा है, इस भाव चेतना में बस निरंतर जी रहे, ओम के साथ एकाकार हो गए, ओम के ही हो गए। गायत्री का उच्चारण करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, ओम भू भुवस्व भूर्भुवस्व तत्सवितुर्भरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भू पृथ्वी लोक, भू अंतरिक्ष लोक, स्व द्युलोक पृथ्वी लोक, द्यु अंतरिक्ष लोक, द्युलोक में तेरी महिमा, आप ही प्रजापति, आप ही हिरण्यगर्भ हैं, आप ही वैश्वानर हैं, आप ही विराट हैं, तेरे अनंत गुण कर्म स्वभाव है, अनंत सामर्थ्य है प्रभु, और तेरा ही ऐश्वर्य है सारा जीवन जगत पिंड ब्रह्मांड व्यक्ति मनुष्य और मनुष्य तेरा जड़ चेतन जीव जगत सब प्रभु व्यष्टि समष्टि तेरे ही आश्रय है। तत्सवितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुः देवस्य वरेण्यं भर्गः धीमहि। सविता पिता परमेश्वर तेरी दिव्यताओं को, तेरे दिव्य तेज को, दिव्य ज्ञान को, दिव्य भावों को, दिव्य संवेदनाओं को, दिव्य सामर्थ्य को, तेरी समस्त दिव्यता को मैं अपने भीतर धारण करूं। यदग्नि श्याम अहम त्वम मैं तू हो जा, तुझमें पूरा समा जा। यदग्नि श्याम अहम तुम अघा श्याम हो प्रभु, तेरी सारी दिव्यता मुझ में उतर जाए। यदग्नि श्याम अहम त्वं वाघा श्याम सुष्टि सत्याहाशिष, तेरे आशीषों से पूरा अभिषेक कर हो अभिषेक आत्मा भी लेकर जग जननी के शरण जोग 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 से। धियो यो न प्रचोदया, हे प्रभु हम तेरे ही मार्ग पर चले, वेद मार्ग पर, सत्य मार्ग पर, अष्टांग योग के मार्ग पर, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग, विभूति योग, अध्यात्म के पथ पर, परम सत्य के पथ पर आगे बढ़े प्रभु। ऐसे ही हमारी मति हो, ऐसी हमारी भक्ति हो, ऐसे ही हमारे विश्वास, ऐसे हमारी कृति हो, कर्म हो, हमारा साधन हो, हमारा साथी हो, ऐसे एक बार ओमकार का, एक बार गायत्री का उच्चारण किया और बस भगवान के हो गए सदा सदा के लिए।
उसी के थे हम, उसी के हैं और युगों युगों तक उसी के ही रहने वाले, यही परम शाश्वत नित्य सत्य है। और इसके भिन्न को यदि समझता है, जानता है, अनुभव करता है, अच्छा है, अविवेक है, इसी के तो पार हमें जाना है। विवेक वैराग्य षट के संपत्ति मुमुक्षु से भगवान के पद पर आगे बढ़ना। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों को आपस में रगड़ लेते हैं, दोनों हाथों की गर्म गर्म अथेलियों की ऊर्जा का ऊष्मा जनों को भरकर देते हैं। ऐसे प्रतिदिन ओंकार और गायत्री का ध्यान करना। अब क्रियात्मक योग अभ्यास में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा शब्द है, आज का ध्येय वाक्य है, सब मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे, श्रद्धा का अतिरेक, ज्ञान का अतिरेक, पुरुषार्थ का अतिरेक, यही जीवन है, यही साधन है, यही साध्य है, यही सफलता है, यही विजय है, यही जीवन का परम पुरुषार्थ है। तो क्या बोला अभी, किसकी पराकाष्ठा? श्रद्धा की पराकाष्ठा है। देखो सेंट्रल पॉइंट हार्ट है, नॉट हेड, नॉट हैंड। ये जैसा हार्ट होता है वही वैसा ही हेड होता है, वैसे ही हैंड्स काम करते हैं। और इसलिए व्यवहार में भी बोला जाता है इसका हार्ट बड़ा प्योर है, ये साफ दिल का आदमी है। और किसी आदमी के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना हो ना, बोले ये दिल का बड़ा काला है, दिल का बड़ा खराब है, इसके दिल में बड़ी कुटिलता है। और आदमी जो भी जीवन में कर रहा है, अच्छा या बुरा, कोई आतंकवादी है या कोई राष्ट्रवादी है, उसको ड्राइव करते हैं उसकी इमोशंस और वहीं पहुंचता है अंत तक। यो यत श्रद्धा श्रद्धामयो यम पुरुषाः, यो यत श्रद्धा स एव सः। जैसी हमारी श्रद्धा होती है, जैसी भावना होती है, जैसे विचार होते हैं, उधर ही हम पहुंचते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जैसा होगा हमारा विचार वैसा होगा हमारा संसार। जैसी भावना, जैसे विचार, जैसे व्यवहार, वैसे होगा संसार, और क्या होगा। तो फिर से बोलेंगे, श्रद्धा का अतिरेक बोलो, ज्ञान का अतिरेक, कर्म पुरुषार्थ का अतिरेक, शौर्य पराक्रम का अतिरेक, यही जीवन है, यही सफलता है, यही विजय है, यही साधन है, यही साध्य है। अब इसी में लोग घूमते रहते, भटकते रहते, जीवन क्या है, अभी तो बहुत अंधियारा है, अब उजियारा हो गया, देखो पीछे भी सूरज उग रहा है ना, लेकिन उगने के बाद भी प्रकाश नहीं आ रहा पूरा,
क्यों? थोड़े थोड़े बादल आए हुए हैं। ऐसे ही जीवन में ये थोड़ा थोड़ा अवरोध आ जाता है बीच बीच में, मल विक्षेप आवरण आ जाते हैं बीच बीच में। चलो उनको भी हटाना है और योग को सत्य को जीवन में पूरा घटाना है।